रायबरेली में कुएं से बरामद हुआ अज्ञात युवती का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रायबरेली में दो बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत, बाइक सवार युवक की हुई मौत। हरदोई में पीड़िता को इंसाफ मांगना पड़ा भारी, न्याय की गुहार लगाने पर मिलता है थप्पड़। मैनपुरी में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन, पत्रकारों का फूल माला पहनाकर किया गया सम्मान। रायबरेली में अलाव तापते समय भयानक हादसा, अलाव के ऊपर गिरी मां और एक माह की बच्ची। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है जहां कस्बा बेवर क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले जनपदीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर कर दिया गया। इस दौरान संगठन से जुड़े पत्रकारों का सम्मान फूल माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक ने कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और पत्रकारों का धन्यवाद कर नौ वर्ष की शुभकामनाएं दी। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिन्होंने कम समय में मैनपुरी में अनेक शास्त्री काफी अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छी खासी टीम भी उन्होंने तैयार की है। सदन में बैठे हुए आज 2023 की शुरुआत है, ये भी सोचा कि तारीख में थोड़ा सा व्यस्तता लोगों की रहती है, लोगों से मिलना है जुलना है, लेकिन फिर भी हमने खबर अमरोहा से है जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने नए साल की पहली रात को सजगता दिखाते हुए विशेष अभियान चलाकर बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया और बताया कि उनके पास शिकायत आई थी कि कुछ लोग खुले में सो रहे हैं, जिसके शिकायत मिलने पर उन्होंने तुरंत नगर पालिका परिषद की टीम को भेजा और पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में रुकवाया। साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को दिखाई देने पर लोग उन्हें सूचित करें ताकि कोई भी खुले में न सोए। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में शरद ऋतु जो है बहुत तेज़ी से पड़ रही है, इधर नए साल से पहले और नए साल पे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो हमारे यहाँ रैन बसेरे और जो अलाव जलाने की प्रक्रिया है उसमें हम लोग बहुत तेज़ी लाए हैं। उसी के दृष्टिगत रखते हुए कल जो शहर भर में एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया और स्टेशन पर यानी जगह पर जो खुले हुए सोते हुए लोग पाए गए उनको हमारी टीम ने रात में 1 बजे रेस्क्यू करके हम लोग रैन बसेरा में लाए ताकि उनकी सेहत अच्छी बनी रहे, वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सके और उनको जो शीत लहरी से जो प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ता है वो ना पड़े। खबर प्रयागराज से है जहां 9 वर्ष के प्रथम दिन लायंस क्लब इलाहाबाद ने शकुंतला हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें लायंस क्लब के सदस्यों ने ब्लड डोनेट करके अपने नए साल का प्रारंभ अच्छे कार्य से किया। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि शिविर लगाने का उद्देश्य समय समय पर रक्तदान करने की लोगों की जिम्मेदारियों को बचाना है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना भी है। वहीं इस पर फ्री ओपीडी, ब्लड टेस्ट, बीपी, बीएमडी, नेत्र, नाक, कान और गले का निःशुल्क चेकअप भी किया गया।
खबर हरदोई से है, जहां पिहानी थाना क्षेत्र के ग्राम मछिया बखरिया निवासी को पुलिस से इंसाफ मांगना बेहद मुश्किल हो गया। यहां न्याय के लिए गुहार पर कोतवाल का थप्पड़ मिलता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लापता पिता का शव नहर में मिलने के पीड़ित जब ने अफसर से न्याय की गुहार लगाए तो कोतवाल ने पीड़ित को थप्पड़ जड़ दिया और वो नाले में किनारे जा गिरा, जिससे उसके मुंह से खून आ गया। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि वहां लोग तमाशा देखते रहे लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। खबर रायबरेली से है, जहां अलाव तापते समय संतुलन बिगड़ने से मां और एक मां की मासूम बच्ची अलाव के ऊपर गिर गए, जिससे मां बेटी दोनों गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सीएससी पहुंचाया, जहां मां बेटी का इलाज जारी है। खबर रायबरेली से है, जहां हसनपुर गांव के पास एक कुएं से एक 25 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने शव को बाहर निकाला। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकी, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी महाराजगंज ने बताया कि मृतक युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खबर रायबरेली से, जहां नए साल के पहले ही दिन 2 दिन बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? राहुल सैनी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था आमने सामने। कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ? गुंदवारा ग्राम पोस्ट गुंदवारा। क्या हुआ? सर जो एक लोग एक्सपायर हो गए, एक दो लोग एडमिट। जो खत्म हुए, क्या नाम है उनका? लवलेश। जो लोग घायल हुए? जो लोग घायल हुए, एक का नाम कुलदीप, एक का नाम रोहित सैनी। डॉक्टर साहब क्या पूछते हैं? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब अभी एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? हाँ, 3 बच्चे घायल अवस्था में लाए गए हैं। कुलदीप और रोहित को प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। लवलेश मृत अवस्था में लाया गया है, उसका शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।